क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के आदर्शों के लिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति है या फिर राज्यसभा सीट के लिए कि ज्योतिरादित्य को आप बीजेपी में ले आए? मैं एक शेर से शुरू करता हूं अंजना जी। हां मैं नशा भी करता हूं, हां मैं नशा भी करता हूं और गुरूर भी है मुझ में, पर नशा मुझे मेरी मंजिल का है और गुरूर मुझे मेरे ईमान का है। देखिए आज ये कांग्रेस की परिस्थिति है, कांग्रेस नशे में भी है और कांग्रेस गुरूर में भी है, मगर आश्चर्य और दुख का विषय है ना तो उसके पास कोई मंजिल है भविष्य का और ना ही उसके पास उसका ईमान शेष है। ना ईमान है ना मंजिल है, फिर भी नशे काहे का, फिर भी गुरूर काहे का। आज कांग्रेस के गुरूर के कारण जो भी हो रहा है वो हम देख रहे हैं। याद करिए आज से 3-4 साल पहले वही अंजना ओम कश्यप थी, वही मैं था, वही कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे, वही आज तक था और हम डिबेट कर रहे थे हेमंत बिश्व शर्मा जी का कि किस प्रकार हेमंत बिश्व शर्मा जी ने राहुल गांधी जी से समय मांगा था, एक अपॉइंटमेंट मांगी थी, बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला था। राहुल गांधी से मिलने हेमंत बिश्व शर्मा पहुंचते हैं, राहुल गांधी मशरूफ रहते हैं, वो अपने कुत्ते जिसका नाम पिड्डी बताया गया बाद में, पिड्डी के साथ खेलते रहते हैं, पिड्डी को अपने गोद में रखते हैं, उसे बिस्किट खिलाते हैं, मगर हेमंत बिश्व शर्मा जैसे कद्दावर नेता की तरफ आंख उठा के नहीं देखते, उससे बात नहीं करते। यही होता है जब बड़े नेताओं के साथ आप इस प्रकार की ट्रीटमेंट करते हैं, आप अपने गुरूर में मशरूफ रहते हैं, तो यही दशा एक पार्टी की होती है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। तिल-तिल करके बिखर रही है। डॉक्टर पात्रा जी, आपने कहा कि राज्यसभा की टिकट के लिए वो आए या किस कारण से आए हैं? हाँ। मैं पूछता हूँ, वो पुराने पिक्चर का वो गाना मुझे याद आ रहा है, कांटों से खींच के ये आंचल। अब देखिए ये तो कांटों की गुस्ताखी थी, अगर कांटों में आंचल फंसा हुआ था तो आंचल की क्या गलती है? आप आंचल को क्यों कोस रहे हैं, आंचल से क्यों पूछ रहे हैं? आप उन कांटों से पूछिए कि वो क्यों लहूलुहान करने के लिए तुली हुई थी। आप उन कांटों से पूछिए कि क्या कसूर था आंचल का जहां आंचल को वो भिन रही थी, छेद रही थी। आप उन कांटों से पूछिए कि इतना गुरूर कांटे होने पर क्यों था। हाँ, अगर गुलाब होता और गुरूर होता तो कुछ समझ भी आता, कांटे को गुरूर था तो आंचल का तो फर्ज बनता है कांटों को झटक के अच्छी जगह आ जाना, और आंचल ने आज वही किया है। अभय दुबे जी जवाब दीजिए, क्या ये वाकई गुरूर है आपकी पार्टी का, शीर्षस्थ नेताओं का, कि आप उन नेताओं के महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी तरह से असमर्थ रहते हैं? राज्यों में जिस तरह की राजनीति चलती है उसकी भनक नहीं होती शीर्ष नेतृत्व को। और अगला सवाल आपसे ये कि आखिर कब तक आप तमाम विधायकों के, जितने भी नेता जा रहे हैं, सब मौका परस्त हैं, सब मौका परस्त हैं, सब सहूलियत में अपनी हिस्सेदारी देख रहे हैं, ये बोल बोलकर कब तक पल्ला झाड़ते रहिएगा? इतने बड़े नेता का निकल जाना कुछ कह रहा है। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा जी को मैं यही बताना चाहता हूं कि अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, मुझ पे इल्जाम लगाने वालों। ये हेमंत बिश्वा शर्मा का जो उदाहरण दिया है वो ऐसे ही नहीं गए। शारदा चिटफंड कांड में 20 लाख रुपए प्रति माह उन पर आता था, सीबीआई की रेड भूल गए, उसके बाद मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ आपके यहां आ जाने पर। छोड़िए, मैं दूसरी बात बताता हूं। अंजना जी, एक छोटा सा 10 सेकंड का वीडियो सुनिए, शिवराज जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और सिंधिया परिवार की तारीफ में क्या कह रहे हैं, ये जरा सा एक वीडियो सुन लीजिए, आपको सच्चाई सब सामने आ जाएगी। और कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया था। वो कह रहे हैं कि सिंधिया परिवार गद्दार है, सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया। ये सुनकर स्वयं यशोधरा जी भावुक हो गई और रो पड़ी थी। इतना नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कितने तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के डिलीवरेबल्स पर बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। मेरा किसान, मेरा नौजवान, मेरी महिला स्वस्थ हो चुकी है, वही ये भाजपा के मंत्री संतरी तंत्री पूरी तरह से मस्त हो चुके हैं। जिस भारत की बात ये करते हैं, जिन अच्छे दिनों की बात करते हैं, जो नई इंडिया की बात करते हैं, जहां भाई भाई के बीच में भाईचारा के विपरीत द्वेष भावना अर्जित कराने की कोशिश करते हैं, जहां सरकार स्वयं रक्षक के बदले में भक्षक बन जाता है और किसानों के छातियों के ऊपर गोली चलाई जाती है। अभय जी, अभय जी, भारत एक नया इंडिया, ठीक है अभय जी, ये कहां से निकले? एक सेकंड, अब आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि आपने दो दो चीजें सुनाई है तो इंटरनेट से ही निकाल रहे होंगे सर। इंटरनेट से पहले निकालिए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या क्या कहा था राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए,
कांग्रेस पार्टी में जाने से पहले, फिर इसी इंटरनेट पर जाकर निकालिए तमाम ऐसे नेताओं की बोल जो बीजेपी से आपने शामिल किए, जो क्या क्या नहीं कहते थे, क्या क्या नहीं कोसते थे। और सर कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है? मध्य प्रदेश में पैरों तले की जमीन खिसक गई है। नहीं, ये पैरों तले की जमीन नहीं है, ये सत्ता की भूख और उसका आकर्षण है। मुझे एक बात बताइए, एक आरोप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मंच ही ऐसा है कि जो नेता बैठता है वहां झूठ बोलने लगता है। इसके पहले सिंधिया जी ने कभी झूठ नहीं बोला, आज क्या झूठ बोलते कि किसानों के मुकदमे जो उनकी हत्या के थे वो माफ नहीं किए। ये देखिए 40,000 मुकदमे खात्मा पेश कर चुकी है कमलनाथ सरकार, जो शिवराज जी ने मंदसौर के कांड में 40,000 किसानों पर मुकदमे लगाए थे। रेत में 1240 करोड़ रुपए कमलनाथ सरकार ने एक साल में राजस्व अर्जित कर दिया, तो 200 करोड़ शिवराज जी की सरकार में था। वो कहते हैं रेत माफिया मध्य प्रदेश में है, अरे माफिया मुक्ति का अभियान चल रहा था। क्या प्रभात झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पर अभी आरोप नहीं लगाया कि 622 एकड़ जमीन आपने शिवपुरी में कब्जा ली है, जिसके दस्तावेज उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रमाण मौजूद है, कमलनाथ सरकार कहेगी तो मैं दस्तावेज देने को तैयार हूं। अरे महाराज, कुछ तो आपने सच बोला होता वहां बैठकर, हम प्रामाणिक रूप से आपकी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। और कल मुख्यमंत्री जी सप्रमाण पत्रकार वार्ता 3 बजे करेंगे और इन सारे प्रश्नों के तथ्यात्मक जवाब और दस्तावेजी प्रमाण रखेंगे कि आपने भारतीय जनता पार्टी के मंच पर जाकर क्या क्या झूठ बोला है। अंजना जी, मैं तो हतप्रभ हूं, विधायक को किस प्रकार खरीद फरोख्त करके ले जाया गया, आज मैं चुनौती देता हूं, फ्लोर टेस्ट हो जाने दीजिए। जो विधायक वीडियो भी जारी कर रहे हैं वो कांग्रेस के समर्थन में वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा उस फ्लोर टेस्ट के दिन उतर जाएगा और ये सच जनता के सामने आ जाएगा।